जय जोहार संगवारी हो, स्वागत है आपन के हमारे यूट्यूब चैनल में। संगवारी हो, आप मन जानत हो गरियाबंद जिला है अपन प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाने जाते। यहाँ बारिश के मौसम में एक से बढ़ के एक खूबसूरत वाटरफॉल बनते, जिनमें कई वाटरफॉल बहुत ही फेमस है, जैसे कि जतमई वाटरफॉल, घटरानी वाटरफॉल, चिंगरा पगार वाटरफॉल, देवधारा वाटरफॉल, बोतलधारा वाटरफॉल और कई वाटरफॉल बहुत ही हिडन है, जिला बहुत कम जन जानते हैं, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। ऐसी ही एक हिडन वाटरफॉल आज एक्सप्लोर करना जात हैं, जे वाटरफॉल के नाम है कुमपानी वाटरफॉल। ये वाटरफॉल गरियाबंद जिला के प्रसिद्ध देवी दर्शन धाम माँ घटरानी से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी में स्थित। तो बने रहो आप मन हमारी ये वीडियो में और देखो वाटरफॉल के खूबसूरत नज़ारा। जय जोहर संगवारी हो, हमारे यूट्यूब चैनल में जम्मो संगवारी मन के स्वागत है। संगवारी हो, आज हमन आए हमन एक ठन और नया वाटरफॉल ला एक्सप्लोर करे बर। वाटरफॉल के नाम मोला तो पता नहीं है, लेकिन ये हमारे टीकम भाई है, टीकम ब्लॉक से। ये है बताही कौन कौन से वाटरफॉल जाबो तेला। तो संगवारी हो, अभी हमन जो पहाड़ी में चला था, डैम के जस्ट सामने में पहाड़ी है और ये पहाड़ी में 3 ठन लगातार वाटरफॉल बनते। पहला वाटरफॉल के नाम है कुमपानी वाटरफॉल, दूसरा है वे पिकरी झोल वाटरफॉल और तीसरा है टीपा पानी वाटरफॉल। तो सर्वप्रथम हमन है कुमपानी वाटरफॉल में जाने वाला हैं। आगे आप मतलब मिलात हो हमारे साथ में है द नेचर लवर यूट्यूब चैनल से प्रकाश भाई। जय जोहार। तो ये तो हमारे विजू भाई ये मेन हीरो तो ही हरे, मेन हीरो तो ही हरे हमारे चैनल के। संगवारी हो, मैं आप मतलब बता देता हूँ, ए भाई टीकम ब्लॉग है और ये द नेचर लवर। हमन कहीं भी नया जगह जाथन तो आप मन तो वीडियो आए के बाद देखते हो, लेकिन टीकम भाई और द नेचर लवर ए मन है कम्युनिटी में डाल देते। अगर आप मन ऐसी नया नया जगह घूमना चाहो ये मोर साथ, तो आप मन ला एक कम्युनिटी पोस्ट में जरूर दिखाई दी। मैं बहुत कम डालता हूँ तो एक मन के कम्युनिटी पोस्ट में आप मन ला वो जगह मन के जानकारी दिखाई दी। तो भाई मन के चैनल सब्सक्राइब कर लूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मन ला एक मन के लिंक मिल जाए। तो संगवारी हो, हमन हाँ डैम के किनारे किनारे ये रास्ता से आ हन और ये रास्ता से आए के बाद गाड़ी ला यहाँ पार कर चुके हैं, काबर की अभी बरसात के मौसम चला थे तो यहाँ पे डैम के जो भरान है यहाँ तक आ चुके हैं और ये ओकर ओवरफ्लो है तो पानी आगे यहाँ तक भरे तो गाड़ी अभी ले जात नहीं बने। और हमारा यही रास्ता से आगे बढ़ते हुए सबसे पहले कुमपानी वाटरफॉल तक जाना है, फिर आगे हम यहाँ दूसरा और तीसरा वाटरफॉल तक जाबो। चलता ना आगे जात जात गुठिया था। और अगर आप मन हमारे चैनल में नवा आए हो तो सब्सक्राइब कर दूँ, वीडियो के एंडिंग नहीं करन, आप मन ला वही पुराना वाला जो दिखते वही वाला सीन दिखाई दी। तो चलता ना, आप मन देख सकते हो पहाड़ी के बेहद ही खूबसूरत नज़ारा ला। और ए साइड पूरा डैम है बहुत ज़्यादा और इतना ज़्यादा पानी भरे हुए है, एला क्रॉस करके अभी हमन जावा था। सफर है अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो जबरदस्त नज़ारा देखने वाला है। और एक ठो और मजे के बाद बताऊं कि जैसे ही हमन गांव में घुसे बहुत ज़्यादा पानी गिरे रही, हो सकते हमार आवत ले में ज़्यादा पानी भर जाए, गाड़ी बाहर ही छोड़ना पड़ी। तो चलता ना अभी आगे। तो संगवारी हो, आप मन डोंगरी के शानदार नज़ारा देखा तो और ये तरफ है बहुत ही एडवेंचर वाला सफ़र, भाई मन आवत है वे वाटरफॉल तक जाए के लिए। तो अभी हमन चलत है वन और गाड़ी ला वहाँ आगे पार्क कर चुके हैं।
गांव वाला भैया मन से हमन ये रास्ता पूछे हैं और धीरे धीरे बढ़ा थे बन। ये जो जगह है अभी बहुत ही ज़्यादा अनजान है, बहुत ही कम लोग आते, तो यहाँ आना जाना थोड़ा सा सेफ ने टाइप की नहीं है, तो हमन हाँ अपन तरफ से सुरक्षा बरतबो। तो संगवारी हो आप मन देखा तो एक तरफ ये पहाड़ी है और दूसरा ये पहाड़ी है और दोनों पहाड़ी के बीच में ये जो झोल है एमे बन थे कुम्पानी वाटरफॉल और हम हाँ अभी वाटरफॉल तक जाके लिए बढ़ चुके हैं और अभी पूरा इस तरफ खेती हो है तो रास्ता भी आसान नहीं है जाना और गांव वाला भैया मन तो यहाँ पे आसानी से पहुँच जाते हुए लेकिन हमारे लिए एकदम अनजान है। तो संगवारी हो ये पहला वाला नाला हरे और ये जो पानी आवत है मोला लगत है कुंभ पानी से ही आवत था, चलथन आगे देखता नहीं थे पूरा बिया बांध जंगल है। ये जो पहाड़ी से पानी बहा के आते है ये है कुंभ पानी वाटरफॉल से आते और हमन हाँ यही कुंभ पानी वाटरफॉल तक यही पानी के रास्ता ला फॉलो करते हुए जाबो। तो भाई मन भी पीछे पीछे आते आप मन देख सकत हो और ऐसे पहाड़ी के बीच में आ चुके हैं तो हम अल्लाह अपन सुरक्षा के लिए एक डंडा भी रख लेना चाहिए तो ये डंडा खोजा थे वो सर्वप्रथम डंडा पकड़े के बाद आगे बढ़ूं। तो आप मन देख सकते हो विजू भाई है डंडा पकड़े है सुरक्षा के लिए और आप मन जब भी जंगल में आऊं तो अपन सुरक्षा के लिए ऐसे ही डंडा जरूर रखूँ और मैं भी ये डंडा रख लेता हूँ। और हम यहाँ जस्ट पहुँचने वाला है झरना के पास, आस पास के गाँव के लड़का मन झरना तक पहुँचे है, अभी ये झरना ना ज़्यादा दूर तक नहीं जाने तो नहीं पहुँचे ज़्यादा आदमी लेकिन आसपास के मन जानते तो लोकल मन यहाँ घूमेला जरूर आते और कल ही बारिश हो रही से तो आप मन पानी भी देख सकते हो लेवल बहुत अच्छा है तो अभी झरना में काफ़ी अच्छा पानी हो ही। तो आप मतलब यहाँ से वाटरफॉल के छोटे से दृश्य दिखाई दे तो ही अभी आप मतलब पास चल के वहाँ के शानदार नज़ारा दिखाने वाला हूँ। हर जगह पानी मिल जा रही और ये हमारे सिक्कम ब्लॉग मोर ब्लॉग वो बनाते मैं होकर ब्लॉग बना ऐसे शानदार ना जगह में तो ऐसे ही होते ब्लॉगर मन के मेला में भी पानी यार जबरदस्त है मोड़े पर एक छोटे छोटे पत्थर मल रखे हैं खेत में ले जाए पर वही है हां पानी की दिशा मोड़े पर भी और थोड़ा सा स्पीड कम करे वही कटाव वाला कटाव ना। तो पानी के आवाज़ से ये अंदाज़ा लगा थे कि अभी वाटरफॉल में बहुत ज़्यादा पानी है और यहाँ से वाटरफॉल के आप माला छोटे से दृश्य दिखाई देते ही और अभी हमन हाँ ये उबड़ खाबड़ रास्ता से आगे बढ़ाते बन वाटरफॉल तक जाए के लिए, पास चले के बाद ही आप माला यहाँ के शानदार नज़ारा दिखाने वाला हूँ। तो संगवारी हो अभी हमन हाँ पहुँच चुके हैं कुंभ पानी वाटरफॉल के पास, तो आप मन हाँ दिल थाम के देखो कुंभ पानी वाटरफॉल के शानदार नजारा ला। तो संगवारी हो इतना झरझर झरझर के आवाज आप में लात हुई मतलब समझ चुके हो हम हाँ वाटरफॉल के पास पहुंच चुके हैं, इतना मेहनत इतना खड़ी चढ़ाई और उबड़ खाबड़ रास्ता ला पार करके पहुंच चुके हैं फाइनली कुंभ पानी वाटरफॉल तक और मोर पीछे ये जो शानदार वाटरफॉल देखा तो यही अरे कुंभ पानी वाटरफॉल।
संगवारी हो आप मन ला कैसे लगी कुंभ पानी वाटरफॉल के वीडियो हमन ला कमेंट्स करके जरूर बताऊ। संगवारी हो हमन अपने गरिया बन के हिडन वाटरफॉल मन ला आप मन के पीस आप मन के समक्ष लाए के प्रयास करथन, लेकिन एक तो शिकायत आते कि आप मन आतो और यहाँ पूरा जगह ला बर्बाद करके चले जाते, पूरा कचरा फैला देते, तो फिर यही कारण से हमन ये जगह ला नहीं बताओ था नभी। और देखते रहू हमारे चैनल में असने नवा नया वाटरफॉल आते रही। तो बाकी भाई मन भी अब जावत हन संगवारी हो, बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह देखेल पड़ी समन एकर पहली और कई ठो वाटरफॉल एक्सप्लोर करें वहाँ जाके फिर साल भर बाद देखें तो बहुत ही गंदा फील हो। इस आदमी मन पूरा गंदगी फैला फैला के वो जगह ला बर्बाद कर चुके रही से, ओकर कारण हमन हा ये जगह के मेन जो गाँव है या जो भी एरिया है लोकेशन वाला शेयर नहीं करे हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलबो अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो भाई